कौन बनेगा बीजापुर का इंचार्ज मिनिस्टर, एमबी पाटिल या शिवानंद पाटिल? क्यों मंत्री बनने पर शिवानंद पाटिल ने नहीं निकाली रैली, एमबी पाटिल ने मंत्री बनने पर निकाली आलीशान रैली? क्या 300 लोगों की जानों की कोई माने नहीं नेताओं को? 7 महीने से कॉरपोरेटर्स की कॉरपोरेशन में नो एंट्री। देखिए मेरे साथ हक की आवाज में, मैं हूं शकील बागमारे। बीजापुर शहर के लिए खुशी की बात यह है कि बीजापुर जिले में 2 नेताओं को मिनिस्टर बनाया गया है, मगर अब बात बीजापुर जिले का इंचार्ज मिनिस्टर कौन होगा, इस पर कई सवाल हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि एमबी पाटिल और शिवानंद पाटिल दोनों ही बीजापुर का इंचार्ज मिनिस्टर मांग रहे हैं। अब सीएम सिद्धरमैया को ये सरदर्द बना हुआ है, ये बताया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में एमबी पाटिल बीजापुर के इंचार्ज मिनिस्टर का अधिकार संभाल चुके थे और शिवानंद पाटिल को बागलकोट का इंचार्ज मिनिस्टर बनाया गया था। अब देखना है इन दोनों पाटिलों में बीजापुर इंचार्ज मिनिस्टर कौन होता है। अगर जानकारों की माने तो पहले की तरह एमबी पाटिल को बीजापुर का ही इंचार्ज बनाया जाएगा, क्योंकि वो सीएम से यानी सिद्धरमैया के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और शिवानंद पाटिल को फिर से बागलकोट का इंचार्ज बनाने की खबरें आ रही हैं। मगर बागलकोट जिले के मुदौल क्षेत्र से आरबी टिम्मापुर भी बागलकोट के इंचार्ज मिनिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि वो उसी जिले से ताल्लुक भी रखते हैं। शिवानंद पाटिल का नाम इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि वो 6 बार एमएलए और बीजापुर जिले की डीसीसी बैंक के 7 बार अध्यक्ष बने हैं। इस बैंक से किसानों को कर्ज भी दिया जाता है, इसी कारण से वो जिले के किसानों के हर समस्याओं से वाकिफ भी हैं और किसानों की परेशानियों को बहुत ही करीब से देखा भी है, क्योंकि अक्सर किसान डीसीसी बैंक से जुड़े रहते हैं। इसी के चलते इनके चाहने वाले इन्हें बीजापुर का इंचार्ज मिनिस्टर के रूप में इन्हें देखना चाहते हैं, शिवानंद पाटिल को। अब देखते हैं इन दोनों पाटिलों में कौन बनेगा बीजापुर का इंचार्ज मिनिस्टर। खबरें ये भी आ रही हैं कि एमबी पाटिल को जो कैबिनेट दर्जा दिया गया है, लार्ज एंड हेवी एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, वो उससे भी नाखुश हैं, क्योंकि उनकी मांग थी जल मंत्री यानी इरीगेशन मिनिस्टर, जो वो पहले भी थे। और बात अगर शिवानंद पाटिल की करेंगे तो शिवानंद पाटिल का पोस्टर 1 हफ्ता पहले बसंत भागेवाड़ी के मनगोरी ग्राम में बैनर को फाड़ दिया गया था, इस पर तनाव बना हुआ था। मनगोरी ग्राम में शिवानंद पाटिल के अभिमानी उसी फटे हुए बैनर के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन किया था, मगर ये हरकत किसने की अभी तक इसका पता नहीं चला है। अब देखते हैं शिवानंद पाटिल का पोस्टर किसने फाड़ा और इस पोस्टर फाड़ने की सियासत में कौन कौन शामिल हैं, या ये किसी पागल व्यक्ति की हरकत तो नहीं है, क्या है इसका सच, पुलिस के जांच के बाद ही पता चलेगा। अब शिवानंद पाटिल और एमबी पाटिल मंत्री पद मिलने के बाद पहली बार बीजापुर शहर को कल पहुंचे। शिवानंद पाटिल ने रैली करने से ये कहते हुए मना किया कि बीजापुर शहर में हमीद मुशरफ की हार हुई है, इसी कारण से मुझे ये ठीक नहीं लगता कि मैं शहर में खुशी मनाते हुए रैली निकालूं, कहकर इन्होंने रैली के कार्यक्रम को ही रद्द किया। और कल जहां एक तरफ 300 से ज़्यादा लोगों का उड़ीसा में ट्रेन हादसे में मौत होने का पूरा देश दुख मना रहा था, उसी के चलते मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे और मिनिस्टर रहीम खान ने अपनी रैली को कैंसिल भी किया। उड़ीसा में
ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ी दुख की बात है। तो उसके लिए कर्नाटक सरकार हर तरीके का सपोर्ट कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी ऑलरेडी एक टीम बना के उस संपर्क में है। और बीदर में आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, सम्मान था मेरा और ईश्वर जी का। तो बीदर की जनता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। लेकिन आज जो ओडिशा में एक्सीडेंट होने की वजह से ये प्रोग्राम को पोस्टपोन कर, मगर कल बीजापुर शहर में एमबी पाटिल के मिनिस्टर बनकर आने पर जश्न मनाया गया। कल शिवानंद पाटिल भी बीजापुर पहुंचे, मगर इन्होंने अपनी मंत्री पद की यात्रा को रद्द किया। वहीं एमबी पाटिल अपने कार्यकर्ताओं और चाहने वालों के साथ हजारों की तादाद में शिवाजी सर्कल से सिद्धेश्वर गुड़ी तक जश्न मनाते दिखाई दिए। और कर्नाटक के कई मंत्री बने नेताओं ने उड़ीसा के बड़े हादसे के कारण अपने मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने मत क्षेत्र आने पर उनकी रैली रखी गई थी। इस यात्रा को बीदर के एमएलए रहीम खान, एमएलए ईश्वर खंडरे और शिवानंद पाटिल ने रद्द किया, मगर एमबी पाटिल ने अपनी मंत्री यात्रा को रद्द ना करके बड़े आलीशान जश्न के साथ अपनी रैली की। अब शहर की अभिवृद्धि की बात करेंगे तो आज से 7 महीने पहले कॉरपोरेशन चुनाव हुए हैं, मगर अब तक इन कॉर्पोरेटर्स को कॉर्पोरेशन में इनकी एंट्री नहीं हुई है, जिस कारण से शहर गंदगी से भरा पड़ा है। अब शहर की अभिवृद्धि की बात करेंगे तो आज से 7 महीने पहले कॉर्पोरेशन चुनाव हुए हैं, मगर अब तक इन कॉर्पोरेटर्स को कॉर्पोरेशन में इनकी एंट्री नहीं हुई है, जिस कारण से शहर गंदगी से भरा पड़ा है। कई वार्डों में सड़कें का बुरा हाल है, कई जगह सड़कें बनाने के लिए खड्डे खोदे गए हैं, मगर काम शुरू ना करने के कारण लोगों को इन रास्तों से गुजरने में काफी तकलीफ भी हो रही है। अब सरकार भी बन गई है और मंत्री पद भी मिल गए हैं। अब जल्द से जल्द ये दोनों मंत्री बीजापुर शहर की सबसे बड़ी समस्या महानगर पालिका का मेयर है। क्या अब जल्द से जल्द महानगर पालिका का मेयर बनाकर इन पूरे 35 कॉर्पोरेटर्स को कॉर्पोरेशन में जगह दी जाएगी, ताकि बीजापुर की समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकले तो बीजापुर शहर का पहला विकास शुरू हो सकता है। देखते हैं कौन बनेगा बीजापुर जिले का इंचार्ज मिनिस्टर और कौन करेगा बीजापुर शहर का विकास। तो देखते रहिए मेरे साथ हक की आवाज, बी न्यूज नेशन। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, इसकी वजह सिर्फ आप हैं। अगर आप ना होते तो आज बी न्यूज नेशन परिवार 3 लाख तक नहीं पहुंचता। आज बी न्यूज नेशन 3 लाख सब्सक्राइबर पार कर चुका है, इसकी असल वजह आप लोग हैं। इसी तरह आपका प्यार हमारे साथ बना रहे और हम हमेशा आपको सच बताने की कोशिश करते रहेंगे। आपका प्यार हमारे लिए बहुत अहम है, इसी तरह हमारे साथ आपका प्यार बना रहे और ये देखते देखते ये चैनल 10 लाख तक भी पहुंचे। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि हमारी इस हक की आवाज़ को आपने ही आवाज़ दी है, अगर आप ना होते तो ये परिवार 3 लाख तक नहीं पहुंचता। मैं आप सभी को तहे दिल से, मेरी पूरी टीम के ओर से आप सभी को बधाई देता हूं, जो आज आपने हमारा परिवार और बड़ा किया है। तो देखते रहिए हमारे साथ आपका अपना बी न्यूज़ नेशन हक की आवाज़।